इन्होंने भूमियाखेड़ा सलीमपुर में जो प्रदर्शन किया है, इनका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे कि आम जन परेशान हो चुका है। एक तो लॉकडाउन के चलते लोगों के बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों के रोजगार चला गया। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस सौ से साफ दायर होता है कि केंद्र सरकार जनता के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जी, आज जिस तरह से यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से सलीमपुर भूमियाखेड़े में प्रदर्शन किया गया, क्या है इसका मकसद, किस लिए किया गया है? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम तेलों की दामों में डेली वृद्धि हो रही है, पिछले 17 दिनों से वृद्धि पे वृद्धि करे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति चल रही है, लोगों की जेबों पर इतना फर्क पड़ चुका है, नौकरियाँ जा चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्रूड ऑयल के रेट डेली गिर रहे हैं और भारत में पेट्रोल डेली बढ़ रहा है। अब तो यह आलम आ चुका है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो गया है। और जैसे कि सरकार ने बसों का किराया बढ़ाया है, इस महामारी में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो दुगना किराया कहाँ से देंगे। इसी संदर्भ में यूथ कांग्रेस ने पूरे हरिद्वार जिले में जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन कराया और हम भी यहाँ पे जबरेड़ा विधानसभा में अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया। तो जानते हैं कि इससे पहले जब 2014 में क्रूड ऑयल जो है 154 रुपये वो डॉलर था, तब भी 172 रुपये पेट्रोल खरीदने पर बीजेपी या अन्य लोग प्रदर्शन करते थे। आज क्रूड ऑयल 22 रुपये लीटर है, 22 रुपये डॉलर पर बैरल है, तब भी इस बढ़ते कीमत के में आज कोई नहीं बोल रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसके लिए यूथ कांग्रेस ने आज आवाज़ उठाई है और मैं चाहता हूँ कि आम जनता इस चीज़ को आवाज़ उठाए।